नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 14 मई 2020 है। 14 मई 2020 की बड़ी खबरें क्या है? भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 74,000 के पार चली गई। इधर बिहार में कुल संक्रमितों की संख्या 953 हो गई। बिहार में अब तक 7 लोगों की मौत भी हो गई है। पटना में कोरोना संक्रमित के 20 दिन का नवजात मिला है। ये वाकया बेलछी इलाके की है। मजदूरों की आवाज उठाने के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज किया है। इस FIR पर बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि लाचार व गरीब मजदूरों की आवाज उठाने के लिए मुझ पर यह मामला दर्ज कराया गया है। भाजपा ने बिहार के सभी 243 सीटों के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है, जिनके ऊपर चुनावी रणनीति की तैयारी से लेकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। प्रदेश के हर बूथ केंद्र पर 7 सदस्यों की कमेटी गठित कराने को कहा गया है, जिसे सप्तऋषि का नाम दिया गया है। इधर बड़ी संख्या में बिहार के प्रवासी मजदूर बिहार लौट रहे हैं। कई मायनों में यह बिहार के लिए चुनौती भी होगा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम चुनौतियों को विपदा की इस घड़ी को अवसर में तब्दील करने की पहल की है। उन्होंने बिहार आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को उसके स्किल के अनुसार रोजगार मुहैया कराने का निर्देश उद्योग विभाग को दिया है। मुख्यमंत्री ने मजदूरों के स्किल का राज्य की अर्थव्यवस्था में सदुपयोग करने और स्किल मैपिंग के आधार पर संचालित औद्योगिक इकाइयों में रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने जिन राशन कार्ड धारियों को अभी तक 1,000 की राशि नहीं मिली है, उन्हें शीघ्र ही राशि मुहैया कराने को कहा। साथ ही जिन्हें राशन कार्ड नहीं है, उन्हें राशन कार्ड मुहैया कराने को कहा गया है। इस कार्य में अधिकारियों को तेजी लाना होगा। बिहार के मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए मई का महीना खुशखबरी वाला होगा। मई माह के अंत तक मैट्रिक का रिजल्ट आने की संभावना दिख रही है। कॉपी जांच की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गई है। बिहार के माध्यमिक स्कूलों में कार्यालय सहायक और अनुसेवक के पदों पर इस साल बहाली होने का रास्ता साफ दिख रहा है। ऐसा इसलिए कि सरकार ने इस पर गंभीर विचार करना शुरू कर दिया है। बिहार के कटिहार में अब YouTube और वेब पोर्टल चलाने वाले तथाकथित पत्रकारों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। कटिहार के DM ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। इस बीच मौसम का भी हाल जान लीजिए। बिहार समेत कई राज्यों में पिछले 2-3 दिनों से मौसम में बदलाव का नजारा दिख रहा है। कहीं कड़ी धूप तो कहीं बादल है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब की पट्टी बनी है। इससे 16 मई को मैदानी इलाके में चक्रवात के आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग की बेरुखी से किसान हलकान हैं। शर्तों के साथ आगामी 22 मई से मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी करनी शुरू कर दी गई है। हालांकि कौन सी गाड़ी कहां से और कब खुलेगी अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन रेलवे की तैयारी जारी है। अपराधियों की न जाति होती है न धर्म, ऐसा ही एक वाक्या अररिया में मिली है। नरपतगंज प्रखंड के कन्हैली मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य उमेश यादव व सहायक शिक्षक गंगा राम की पिटाई 4 अपराधियों ने कर दी और उनके पास से 10,000 रुपये छीन लिए। अपराधियों ने शिक्षकों को पिस्टल के बट से मारकर घायल भी कर दिया। इस घटना की हर जगह निंदा हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि शिक्षकों का हर जगह सम्मान होता है, उनकी पिटाई समाज में एक कलंक है। दिल्ली से एक मिनी ट्रक के हुड पर बैठकर घर जा रहे 2 मजदूर दुर्घटना के शिकार हो गए। दोनों की मौत गोपालगंज के पास हो गई। मृतकों में एक बिहार के कटिहार जिले के तो दूसरा बंगाल के मालदा का बताया गया। हुआ यूं कि दोनों मजदूर एक ट्रक के हुड पर बैठे थे। फुल स्पीड में ट्रक चल रही थी। ट्रक रेलिंग से टकरा गई। दोनों श्रमिक ट्रक के आगे गिर गए। उसी ट्रक ने दोनों को कुचल डाला। मधेपुरा के भिरेली बाजार में CSP लूटने आए 2 बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। यह घटना 13 मई के 11 बजे दिन की बताई गई। बच्चों के झगड़े को सलटाने गए जोगी यादव को महंगा पड़ा। किसी ने उनके ऊपर गोली चला दी। जोगी यादव की जांघ में गोली लगी है। उसे बेहतर इलाज के लिए हायर हेल्थ सेंटर भेजा गया है। यह वाकया है नवादा जिले के धमौल ओपी क्षेत्र की। घटना जहां घटी है वह क्षेत्र शेखपुरा जिले में पड़ता है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। बताया गया कि घटना स्थल कसर ओपी में पड़ता है। पंजाब से बिहार के लिए पैदल लौट रहे मजदूरों को बस ने कुचल डाला।
इस घटना में 6 मजदूरों की मौत हो गई, 4 मजदूरों की हालत काफी गंभीर है। सभी मजदूर गोपालगंज के बताए जा रहे हैं। घटना मेरठ में घलौली चेक पोस्ट के पास घटी है। इस घटना से मजदूरों के परिवार में मायूसी छा गई है। अब चलते हैं आज के कमेंट की ओर। हमारे कमेंट बॉक्स पर भागलपुर के शिव मंडल कहते हैं कि उड़ीसा में लॉकडाउन हो गए हैं, वे वहां 5 माह से हैं। लॉकडाउन के कारण अब गांव में बीवी बच्चे परेशान हो रहे हैं, घर जाना चाहते हैं। भागलपुर के लिए ट्रेन कब खुलेगी? इधर पश्चिमी चंपारण के राजदेव पटवारी कहते हैं कि वे गुजरात के अहमदाबाद में हैं, घर आना चाहते हैं, रास्ता बताएं। सुनील दास काफी परेशान हैं। उन्होंने कमेंट किया है कि वे ड्राइवर हैं, लॉकडाउन के बाद वे बैठे हुए हैं। मंजर आलम ने कमेंट किया है कि मुंबई में हम लोग 50 आदमी के साथ फंसे हुए हैं, क्या करूं। इधर जमुई जिला के धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं कि हम लोग 500 आदमी के साथ केरल में लॉकडाउन में फंस गए हैं, बिहार सरकार से आग्रह है कि हमें यहां से ले जाएं। खगड़िया जिला के भरतखंड के लड्डू कुमार कमेंट कर रहे हैं कि 25 आदमी के साथ जम्मू तवी में लॉकडाउन में फंस गए हैं। दमन से रोशन कुमार लिखते हैं कि वे बिहार से हैं, लॉकडाउन में वहीं फंसे हैं। रोशन जी पिछले कई दिनों से हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स पर आ रहे हैं, उन्होंने पैसा भी समाप्त होने की बात लिखा है। लुधियाना से सिवान के राजकुमार शाह लिखते हैं कि लुधियाना से सिवान के लिए ट्रेन कब चलेगी। द न्यूज 9X के कमेंट बॉक्स पर पप्पू कुमार ने मचलते हुए लिखा है कि आज कोल्हापुर से बिहार के लिए ट्रेन चली, बिहार जिंदाबाद। भीमसेन यादव के फेसबुक अकाउंट से मनोज मंडल ने लिखा है कि तमिलनाडु से बिहार के लिए ट्रेन कब चलेगी। गौतम कुमार ने अपनी परेशानी बयां करते हुए लिखा है कि वे लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, बेरोजगार हो गए हैं। कलाम अली लिखते हैं कि पुणे से छपरा के लिए ट्रेन कब चलेगी। तौकीर आलम ने हताश होकर पूछा है कि सर हम लोग हैदराबाद में हैं, किशनगंज के लिए ट्रेन कब खुलेगी। सीतामढ़ी के इम्तियाज आलम के साथ 70 आदमी हैं, मुंबई में फंसे हुए हैं, घर जाना चाहते हैं। इसी तरह हमारे कमेंट बॉक्स पर धर्मेंद्र कुमार, सुरेंद्र राज, सुनील दास, राजकुमार शर्मा, दरेश पासवान, मनीष कुमार समेत कई लोग हैं जो अपनी बातें रख रहे हैं। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज 9X सब्सक्राइब करें।